हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यूज टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में न्यूरोगैब एंटी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाले। न्यूरोगैब एंटी टैबलेट का मुख्यतः उपयोग नसों के कारण होने वाले दर्द की समस्या दूर करने में किया जाता है। मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 199 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। बात करते इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। न्यूरोगैब एंटी टैबलेट में प्रीगैबालाइन IP 75 mg, नॉरट्रिप्टेलाइन IP 10 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। बात करते इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग कमर दर्द की समस्या दूर करने में, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी की समस्या दूर करने में, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी की समस्या चेहरों के नसों में दर्द होने की समस्या होती है। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की यह समस्या डायबिटीज के पेशेंट के हाथों पैरों में दर्द एवं सुन्न हो जाने की समस्या होती है। इसे फाइब्रोमाइलेजिया की समस्या दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। यह एक विकार है जो मसल और हड्डियों में दर्द उत्पन्न करता है। इसे घबराहट की समस्या, चिंता की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते। बात करते इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार एक निश्चित समय पर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते। इस टैबलेट को हमेशा अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही यूज करें। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको वजन बढ़ना, पेट दर्द, थकान, अपचन, मितली, उल्टी, सिर दर्द ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। प्रिकॉशन, उस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियाँ। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज़ न करें। अगर आप पहले से ही कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। अगर आपको लिवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यूज टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।